मॉर्निंग एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे सेक्शन 51 ऑफ सीआरपीसी, सर्च ऑफ अरेस्टेड पर्सन। जिस पर्सन को अरेस्ट किया है उसको सर्च करना, मतलब कि उसके पास क्या आर्टिकल है, कोई वेपन है या और कुछ है तो उसके सर्च करना एज पर सेक्शन 51 ऑफ सीआरपीसी। सब सेक्शन 1, व्हेन एवर A person is arrested by a police officer under a warrant which does not provide for taking of bail. मतलब कि जब कोई भी person arrest किया जाता है police officer के द्वारा, जिस person को arrest करने का warrant है police के पास, और जिस person को arrest किया है उसके पास bail का right नहीं है, डज नॉट प्रोवाइड फॉर टेकिंग बेल, और या फिर अंडर अ वारंट विच प्रोवाइड फॉर टेकिंग ऑफ बेल, या फिर किसी पर्सन को वारंट पे अरेस्ट किया है और उसके पास बेल का राइट है, प्रोवाइड्स फॉर टेकिंग ऑफ बेल, बट द पर्सन अरेस्टेड कैन नॉट फर्निश बेल, मगर जिस पर्सन को अरेस्ट किया है वो बेल फर्निश नहीं कर पाता है। एंड व्हेन एवर अ पर्सन इज अरेस्टेड विदाउट वारंट, जब कोई पर्सन बिना वारंट के अरेस्ट किया जाता है, और बाय अ प्राइवेट पर्सन अंडर अ वारंट, या फिर कोई और ऑथराइज पर्सन जिसके पास वारंट है उस पर्सन को अरेस्ट करने का, वो उसे अरेस्ट कर लेता है। एंड कैन नॉट लीगली बी एडमिटेड टू बेल, मगर दोनों ही केस में किसी पर्सन को अरेस्ट किया है बिना वारंट के, या फिर कोई प्राइवेट पर्सन अरेस्ट करता है वारंट जिसके पास वारंट है उस पर्सन को अरेस्ट करने का, और जिस पर्सन को अरेस्ट किया है उसे लीगली मतलब कि लॉफुली बेल का राइट नहीं है उसके पास, cannot legally be admitted to bail or is unable to furnish bail, या फिर जिस पर्सन को बिना वारंट के अरेस्ट किया गया है पुलिस ऑफिसर द्वारा या फिर प्राइवेट पर्सन द्वारा जिसके पास वारंट है, या तो उसके पास बेल का राइट नहीं है, और अगर बेल का राइट है तो भी वो बेल फर्निश नहीं कर पाता है। तो इस केस में आगे देखते हैं, द ऑफिसर मेकिंग द अरेस्ट, ऑफिसर मतलब पुलिस ऑफिसर जिसने एज पर क्लॉज 1 एक्यूज को अरेस्ट किया था अंडर वारंट जिसमें उसके पास बेल का राइट था, या फिर जिसमें उसके पास बेल का राइट नहीं था और बेल का राइट था तो फिर वो बेल फर्निश नहीं कर पाया, द ऑफिसर मेकिंग द अरेस्ट, जिस ऑफिसर ने अरेस्ट किया, और व्हेन द अरेस्ट इज मेड बाय अ प्राइवेट पर्सन, या फिर प्राइवेट पर्सन ने अरेस्ट किया है, वो केस है हमारा सेकंड पैरा वाला, द पुलिस ऑफिसर टू हुम ही मेक्स ओवर द पर्सन अरेस्टेड, जिस प्राइवेट पर्सन ने अरेस्ट किया है कि उसको, वो उस पर्सन को पुलिस ऑफिसर के सामने प्रेजेंट कर देता है, द पर्सन अरेस्टेड मे सर्च सच पर्सन एंड प्लेस इन सेफ कस्टडी ऑल आर्टिकल्स, मे सर्च मे लिखा है तो डिस्क्रिशन है, और यहाँ पे बात कर रहे हैं जिस पर्सन को अरेस्ट किया उसे पुलिस ऑफिसर सर्च कर सकता है उसकी बॉडी, मे सर्च सर्च पर्सन एंड प्लेस इन सेफ कस्टडी ऑल आर्टिकल्स, और सर्च करने के बाद उसके पास से जो भी आर्टिकल्स मिलते हैं, मतलब कि उसने वॉच पहनी है या फिर उसके गले में गोल्ड की चेन है या और कोई आर्टिकल है, या फिर उससे कोई भी चीज़ रिंग है उसके हाथ में, वो रिकवर होती है तो उसे सेफली अपनी कस्टडी में लेना है उस पुलिस ऑफिसर को, द पर ऑफिसर मेकिंग द अरेस्ट, और अदर नेसेसरी वियरिंग एप्रल फाउंड अपॉन हिम, या फिर और कोई नेसेसरी एप्रल है जो उसने पहन रखा है, जैसे कि कोट पहन रखा है, ऊपर से जैकेट है, वो भी उससे लेके सेफ कस्टडी में रख देनी है,
found upon him and where any article is seized from the arrested person. और जो भी कोई necessary article उस person से सीज किया जाता है उसे सेफ कस्टडी में लेके रखना है पुलिस ऑफिसर को अपने पास. अ रिसिप्ट शोइंग द आर्टिकल्स टेकन इन पोजेशन बाय द पुलिस ऑफिसर शैल बी गिवन टू सच पर्सन. और जो भी आर्टिकल्स लिए गए हैं उस पर्सन की कस्टडी से जो उसके पास थे, जैकेट, चेन, रिंग या ब्रेसलेट पहन रखा है या कोई कड़ा पहन रखा है, जो भी है सभी नेसेसरी आर्टिकल्स अदर देन द जो डेली यूज में है शर्ट पैंट और जो नेसेसरी गारमेंट्स हैं उन्हें छोड़ के जो भी एक्स्ट्रा चीज़ मिलती है उससे रिकवर होती है उन्हें सेफ कस्टडी में लेके और जो सभी आर्टिकल्स हैं और जो भी आर्टिकल्स उस पर्सन से लिए गए हैं आर्टिकल्स टेकन इन पोजेशन पुलिस ऑफिसर के द्वारा तो उन सभी आर्टिकल्स की एक रिसिप्ट बनाई जाएगी और वो रिसिप्ट जिस पर्सन से रिकवर किए गए हैं जो अरेस्टेड पर्सन से रिकवर हुए हैं आर्टिकल्स वो रिसिप्ट उसे दी जाएगी टू सच पर्सन शैल लिखा है तो मैंडेटरी है जो रिसिप्ट बनाएगी उसे उस एक्यूज को देना ज़रूरी है आर्टिकल्स की रिसिप्ट. सबसेक्शन टू Whenever it is necessary to cause a female to be searched, जब किसी एक्यूज फीमेल को सर्च किया जाता है किसी एक्यूज फीमेल को सर्च करना है the search shall be made by another female with strict regard to decency, strict regard. तो फिर उस केस में जो एक्यूज है वो फीमेल है तो फिर इस केस में उस फीमेल को अनदर फीमेल पुलिस ऑफिसर द्वारा ही सर्च किया जाएगा और सर्च विद स्ट्रिक्ट रिगार्ड टू डिसेंसी और पूरी डिसेंसी के साथ ही सर्च किया जा सकता है उस फीमेल को. और ये डिसेंसी जब किसी मेल एक्यूज को सर्च किया जाएगा डिसेंसी का रूल उसके साथ भी फॉलो होएगा. सिर्फ सब सेक्शन टू में लिखा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ फीमेल के साथ डिसेंसी के साथ सर्च किया जाएगा. जो मेल एक्यूज है उसको सर्च किया जा रहा है तो भी वहाँ पे डिसेंसी के साथ ही सर्च किया जाएगा उस एक्यूज को एज पर सेक्शन 51 ऑफ CRPC. अगर आज की क्लास आपको अच्छी लगी तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और लाइक का बटन ज़रूर दबाइए.